एक रहस्य की बात आपको बतानी है। आप सब बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बड़े अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, यू नो मैनेजमेंट इन एंड आउट, एडमिनिस्ट्रेशन इन एंड आउट, यू जनरेट वेल्थ, यू ऑल पीपल, यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यू आर इन द मिडस्ट ऑफ सोसाइटी, यू आर ऑल सिटिंग हियर वेल प्लेस्ड इन द सोसाइटी, वेल कनेक्टेड इन द सोसाइटी। तो जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, टॉप सोशल रिलेशनशिप गुरुज हैं पृथ्वी पे, टॉप हेल्थ गुरुज हैं पृथ्वी पे, ये तीनों की बात मैं कर रहा हूं, मैनेजमेंट गुरुज, सोशल रिलेशनशिप गुरुज एंड हेल्थ गुरुज, ये तीनों कहीं एक अच्छी बात पिछले 10 साल से बता रहे हैं। और वो एक अच्छी बात ये है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू मे रीड स्टीफन कोवी, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लेंचार्ड, एंथनी स्टीव, एंथनी स्मिथ, शिव खेरा, ये बड़े मैनेजमेंट गुरुज को आप पढ़ेंगे तो उनके सामने सेमिनार में बैठे हुए टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको ये बात ये सिखाते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं सिखाना है, वैसे भी वे लोग अच्छा करते हैं, तो ये लोग सिखाते क्या होंगे। जिम कॉलिंस हैं, ही इज द हाईएस्ट पेड मैनेजमेंट गुरु अपॉन दिस अर्थ, लेकिन ये लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को ये वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं, फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं, और एक अच्छी बात जो मैंने रहस्य की बात आपको बताई वो एक अच्छी बात ये सिखाते हैं, जो स्टीफन कोवी ने 7 Habits of Highly Effective People पुस्तक लिखा उसमें अंतिम चैप्टर में वे बताते हैं कि आई मेट 3000 सक्सेसफुल पीपल अपॉन दिस अर्थ, उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखा है, दैट दिस 3000 पीपल वर नॉट जस्ट सक्सेसफुल एज बिजनेसमैन, दे वर सक्सेसफुल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, playing all roles successfully as a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter, as a neighbor, as a relative, as a friend. Unme ye 8 aadatein common thi, and this the 7 habits were common in them. Unme ye baat batate hain 7th chapter mein, that this 3000 successful people used to connect with their creator God through prayers every day. ये स्टीफन कोवी ने रिसर्च करके बताया कि दिस टॉप 3000 पीपल दैट आई मेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, अक्रॉस बिजनेसेस, और ये लोग वही सिखाते हैं, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स। भगवान में आपको श्रद्धा होगी, भगवान की प्रार्थना नाम स्मरण आप करते होंगे, आपको बहुत लाभ होगा जीवन में। ये सिर्फ हम संत हैं इसलिए बताते नहीं है, मोर देन 50,000 रिसर्च पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड इन नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स बाय मैन ऑफ साइंस, नॉट जस्ट बाय मैन ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी, बाय मैन ऑफ साइंस, वेयर दे हैव प्रूव्ड साइंटिफिकली, एक्सपेरिमेंटली, क्लिनिकली दैट योर कनेक्शन विथ योर सुपीरियर पावर गॉड थ्रू प्रेयर्स और चैंटिंग द होली नेम, it gives you physical, mental, emotional balance and satisfaction, which is the need of the hour. Haiya na? Inme se 500 se bhi jyada research papers mere paas hain. Abhi to koi aur vishay mein hum mile hain. Kabhi shayad milenge, I can logically and scientifically prove you the existence of God. Ye sab research papers hain. तो ये आप मान के मत बैठना कि देखे नहीं इसलिए नहीं है, कहीं बात अनुभूति की होती है। यू वॉक ऑन दैट पाथ, यू ट्रेड दैट पाथ, बिकॉज ऑल द वर्ल्डली मैटर्स, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, ऑल द वर्ल्डली मैटर्स इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग, स्पिरिचुअलिटी इज द रिवर्स, फर्स्ट बिलीविंग एंड देन सीइंग। प्रोसीजर ही डिफरेंट है, थियरी ही डिफरेंट है, एज सिंपल एज दैट। और कई बार इस श्रद्धा के बारे में हम सिखाते हैं कि एक्सेप्ट एंड गो एंड यू विल एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सेप्ट एंड गो एंड यू विल एक्सपीरियंस, एज सिंपल एज दैट। डोंट क्वेश्चन द फंडामेंटल्स एंड द फाउंडेशंस इन एनी फील्ड। हम सब क्रिकेट खेले,
हाँ या ना? आप में से किसी ने अपना लॉजिकल दिमाग कभी लगाया कि ये तीन स्टंप किसने तैयार किए, उसके तय करने की जिम्मेदारी उसको किसने दी, एंड विच वॉज द कमिटी हू एक्सेप्टेड दिस थ्री स्टंप्स? कभी क्वेश्चन पूछा? चलो आज तक ये बुद्धि नहीं थी, मैंने अभी आपको ये बुद्धि दी, अब कल जाके पूछना अंपायर को कि पहले मुझे ये थ्री स्टंप्स का आंसर कोई दे, फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो आप जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। डिड यू क्वेश्चन व्हाई अल्फाबेटिकल ए इज दिस, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दिस? यू एक्सेप्टेड इट, यू वॉकड ऑन इट, एंड टूडे यू आर वेल प्लेस्ड। अभी उस वक्त अगर आपने क्वेश्चन किया होता तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट दिस प्लेस एट प्रेजेंट इन चेंबूर, यू हैव बीन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद अ बाउल इन योर हैंड। डोंट क्वेश्चन द लॉजिक्स, डोंट क्वेश्चन द फंडामेंटल्स, तो ही आप जीवन में आनंद कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अभी डिजर्ट में आपको खाने के बाद शायद आइसक्रीम मिले, तो ये मत पूछना रिटेलर को कि ये आइसक्रीम जिस दूध से बना है वो बफेलो कहां की है। डोंट क्वेश्चन, डोंट गो दैट डीप, एक्सेप्ट एंड एंजॉय। उसी तरह भगवान में श्रद्धा रख के एक्सेप्ट एंजॉय। तो एक आखिरी बात करके मैं पूरी बात करता हूं। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच जी कोइंग, इन्होंने ये प्रयोग किया। आई एम गिविंग यू द नेम्स, यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च, यू कैन इवन गो ऑन द वेबसाइट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज एंड सर्च। 4,000 लोगों को इकट्ठा किया, हजार हजार के चार ग्रुप बनाए। द फर्स्ट एज ग्रुप वॉज 4 to 12 years, second age group was 12 to 22, third age group was 22 to 60, and fourth age group was 60 to 80. Aur special psychoneuro software se inke MRIs aur mind mapping hue. Then they were made to sit in the Indian posture, in the meditation posture, and they were asked to chant the holy name of God that they believed in. They did it 2-3 times. Then they were sent back home across North America. All these 4,000 people from different caste, creed, color, religion, nationality, that is different backgrounds. Phir 8 hafte ke baad wapas unko bulaya gaya. Phir se bithaya gaya. 2-3 baar prayog kiye. Aur Psychoneuro software se version 2.0 se phir se unke mind mapping aur MRIs hue. And the results you can see on their website. उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे थे 4 से 12 साल के, उन्होंने सिर्फ 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण किया, देयर वॉज 15-23% इंक्रीज इन देयर मेमोरी पावर। ये लाभ है कि नहीं? जो 12-22 थे, टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स, उनको अराउंड 15% इंक्रीज इन देयर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो ये बड़ा लाभ है कि नहीं? जो 22 से 60 थे, जो हम ज्यादातर लोग यहां बैठे हैं, फ्रॉम 22 to 60 ईयर्स, दे हैड अ सरप्राइजिंग मोर देन 15% इंक्रीज इन देयर बफर कैपेसिटी, दैट इज कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब शॉक्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जो शॉक आते हैं यही उम्र में आते हैं ना, 22 से 60 में। और जो 60 से ऊपर वाले थे, 60 to 80, दे हैड अराउंड 23% इंक्रीज इन देयर स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति में। सो इट वॉज साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड बाई साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर, जो हार्मोन सिक्रीशन मूड्स और विचारों में थे, वो सब चेक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर ने बताया कि चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड gives you a better memory power, gives you a better will power, increases your confidence, gives you a better buffer capacity to absorb shocks of life, and gives you more strength in your immune system. ये अगर 5 बात भी आपको मिल जाए तो भी एक बड़ी लाभ है ना कि? एक बड़ा लाभ है कि नहीं? Yes or no? ये 5 बात भी अगर आपको मिल जाए तो ये बात सही है। इसलिए हमारे महान ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं। आप श्रीमद् भागवत ले लो, श्रीमद् भगवत गीता ले लो, ये सब में ये बात लिखी है, ये सही है। डोंट टेक दैट दे आर ऑल ओल्ड फैशन और पुराने जमाने के हैं।
उसमें से आज मैनेजमेंट भी बाहर आ रहा है, उसमें से सोशल रिलेशनशिप भी बाहर आ रही है। डॉक्टर वीर सिंह ने पुस्तक लिखा है द मैनेजमेंट विजडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसमें लेफ्ट हैंड पेज पे टॉप मैनेजमेंट गुरुज ऑफ द वर्ल्ड दैट टीच द मैनेजमेंट थियोरीज एंड ऑन द राइट पेज ही हैज डिस्क्राइब हाउ प्रैक्टिकली कृष्णा एग्जिबिटेड ऑल दिस थियोरीज प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मैनेजमेंट भी है, सोशल रिलेशनशिप भी है, हेल्थ भी है, सभी बातें यहां से मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माई प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू।